हाँ जी, आज दिन चैप्टर 23 के एंड पे नमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 478। असल में मैंने परसों वाली क्लास में आपको नमेरिकल शुरू करवाया था, वो बाद में मैंने देखा मैंने ये वाला नमेरिकल शुरू करवाना था, वो वाला शुरू नहीं करवाना था, लेकिन ऑलमोस्ट वही एडजस्टमेंट्स हैं पहली वाली, तो इसलिए पेज 478 के ऊपर क्वेश्चन 1 से हम सवाल शुरू करते हैं। मिस्टर अदर हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2011। अदर साहब ने जनवरी 2011 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। पेज 478, लोकल टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। जी मोहतरम, ये किस पे जाएंगी? 100 जमा लोकल टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, 100 जमा 17 जमा 3। आइसक्रीम की रिटेल प्राइस के ऊपर 100 जमा 17। गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज, घर लेके चला गया, 100 जमा 17। एग्जाम गुड्स 0 रेट नहीं होंगे, 0। अच्छा, एक्सपोर्ट सेल 0 रेट, डन। तो अच्छा यार, ये इसका क्या करना है? इंक्लूडिंग एडवांस ऑफ 30,000, इसमें एडवांस पड़ा हुआ है 30,000 का। ये महीना कौन सा है? मेहरबानी आपकी, प्रोसेसिंग माशाल्लाह बहुत तेज है, घर वाले भी हैरान होते हैं। अच्छा जी हजरात, मैं ये पूछ रहा था इस एडवांस का क्या करना है। ये जनवरी में आया है, जनवरी में है ना, जनवरी में एडवांस आया है, तो मुझे बताइएगा। ऐसे ही बात कर रहा हूं, जनवरी में एडवांस आया है, यानी एडवांस में पैसे आए हैं ना। एडवांस का क्या मतलब होता है? एडवांस का मतलब होता है कैश रिसीव। तो जनवरी में एडवांस पैसे आए, एडवांस का मतलब है अभी हमने चीजें नहीं बेची थी फिर भी अगला पैसे, ये मतलब होता है ना एडवांस का, अभी हमने चीजें नहीं बेची थी अगला पैसे दे गया। तो ऐसी सूरत में मोहतरम क्या करेंगे आप? फरवरी के अंदर जो है वो, या मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर गुड्स डिलीवर होंगी। मैंने माना के सवाल नहीं बता रहा गुड्स कब डिलीवर हुई, लेकिन मैं ज्यूम कर रहा हूँ गुड्स डिलीवर फरवरी में हुई। आप कहीं नहीं सर मार्च में ही मार्च ले लें, अप्रैल में अप्रैल ले लें, आप जो मर्जी ले लें, लेकिन ये ना कहिएगा कि जनवरी में डिलीवर हुई, ये ब्लंडर होगा। जनवरी में तो एडवांस आया है, तो एडवांस पैसे कब आ गए? जनवरी में। प्रॉबेबली चीजें कब डिलीवर हो गई? फरवरी में। बोलें किस महीने की सेल में डालेंगे? फरवरी की सेल में डालेंगे। अभी हम किस महीने का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं? जनवरी का। भाई जी निकले, आप निकले, चले चले जाए, भाई जाए जाए जाए। 2750 में से 30,000 माइनस कर, क्योंकि ये हमारे महीने की सेल है या अगले महीने की सेल है? साथ वाले को मुस्कुरा के कहें अगले, तो हमारे महीने की सेल में डालेंगे अगले महीने की सेल में, अगले महीने की सेल का। चलें जी शुरू करते हैं। वो न्यूमेरिकल ही क्या जिसमें वर्किंग्स ना हो, ये सुबह सुबह शायर ने। अच्छा जी, इसका तो हो जाएगा ना अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट। जी जो भी लेट आए उसको थोड़ा आपने शर्मिंदा करना है, बस तुम्हारे आने की कसर थी, उसे शर्मिंदा करना है, फिर आगे चलना है। अच्छा जी, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट। सेल कितने किस्म की होती है? मेहरबानी, टैक्सेबल जीरो रेट और एग्जम्प्ट सेल। अच्छा ये इनपुट में जो है ना एक और कॉलम भी मैंने डालना है फिलहाल, इसके बाद एक वर्किंग होती है हमारी इनपुट। इनपुट में उधर ही रखो, इनपुट में हमने 17% लगाना होता है कुछ जगहों पे परचेजेस के मौके पे। वर्किंग 3 होगी हमारी, हमारी तुम्हारी एक ही वर्किंग, टैक्सेबल सेल। वो टैक्सेबल सेल असल में ये वाली होती है, ये वर्किंग 3 से आया करेगी, यानी यहां पे जीरो रेट सेल नहीं आएगी, यहां पे एग्जेम्प्ट सेल नहीं आएगी, यहां पे टैक्सेबल सेल आएगी। क्लियर? चले जी, हर गाय सवाल पे आए। जी लोकल टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन 2750 पे डालूं, ये 2750 माइनस 30,000 पे, माइनस 30,000 पे, टैक्सेबल सेल सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन आपने यहां डाला करनी है, और सेल
अनरजिस्टर्ड यहाँ, रजिस्टर्ड के अलावा कुछ अदर सेल्स भी इधर आया करेंगी, यानी 17 वाली, 17 वाली यहां डालनी है और 17 जमा 3 वाली यहां डालनी है। ओके सेल रजिस्टर्ड टू सर, कौन सा सेल कहां से आ गई न्यूमेरिकल्स में, 2750 माइनस 30 2720। ट्रांसपोजिशन एरर अगेन 2720। चलें आगे, लोकल टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड, आगे भी चलना पूरी जिंदगी इसी को करते रहने एडजस्टमेंट को, सी और है टैक्सेबल सेल अनरजिस्टर्ड कितना 200। आगे जी सप्लाई ऑफ ठंडी क्रीम एन आइटम ऑफ थर्ड शेड्यूल, इसकी वीओएस रिटेल प्राइस पे लगेगा या 12 लाख डिस्काउंटेड प्राइस पे, 15 लाख, 15 लाख पे लगेगा रिटेल प्राइस पे जी, कितनी आइस 1500 भाई, ये 30 इसलिए माइनस किया है, ये अभी चीजें डिलीवर नहीं हुई, सेल तब बुक होती है जब चीजें डिलीवर हों, इसलिए इसको हमने सेल से निकाल दिया है। गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज 50, इसको ड्रॉइंग भी कह सकते हैं प्राइवेट यूज, अगर घर ना लेके जाते तो बिकती, क्या ड्रग्स ने जिंदगी बचानी है, बहरहाल लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो 4000 पे जिंदगी बचाने वाली ड्रग्स। अच्छा अच्छा हाँ हाँ मेडिसिन होगी, दिल पे ले गया यार थोड़ा तो मुझे भी। अच्छा जी लाइफ सेविंग ड्रग्स कितना 4000, वो ड्रग लिखा हुआ था इसलिए बच्चे परेशान। एक्सपोर्ट सेल कहाँ डाल दें, बोले तो, बोले तो कहाँ डालें, मेहरबान 7 लोगों में 2000, ना ना उधर ही रखो भी कुछ ज्यादा अभी नोट करें। कर लिया नोट यहां तक, मेहरबानी। अच्छा जी वापस आ जाओ भाई, अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज 3 लाख एंड वॉज कमीशन इन टू ऑपरेशन ड्यूरिंग जनवरी 2011, एक नई मशीन खरीदी आपने 3 लाख की और उसको ऑपरेशनल कर दिया है जनवरी 2011 में ही, तो 3 लाख की नई मशीन खरीदी है भाई आपने, मोहतरमा ये जो मशीन है ना मशीन, इसके ऊपर इसकी परचेज पे लॉ मेकर ने एक बेनिफिट दिया हुआ है जो अभी तक हमने थ्योरी में पढ़ा नहीं है, इसलिए वो बेनिफिट तो अभी मैं नहीं आपको पढ़ा रहा, लेकिन एक बात आपके साथ थोड़े से करता चलूं कि मशीन जो है उसका इनपुट हम अलग रखा करेंगे किसी वजह से, मशीन का इनपुट हम किसी वजह से अलग रखा करेंगे, तो इनपुट मशीन और इनपुट अदर्स, आपको पता है कि अगर एक फैक्ट्री हो उसमें गाड़ियां बन रही हो तो उसमें टायर भी खरीदे जाते हैं, शीशा भी खरीदा जाता है, लोहा भी खरीदा जाता है, टेप रिकॉर्डर भी खरीदे जाते हैं, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर मशीन भी तो खरीदी जाती है ना, तो मशीन तो एक मेन आइटम है जिसको आप फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, तो मशीन की परचेज को जरा हमने अलग थलग रखा करना है, और यार परचेजेस पे ना 7-7 17% लगाने, सेल पे 7-7 17% नहीं लगाना, परचेजेस पे 7-7 17% हम लगाते ना करेंगे, यानी वर्किंग वन में ना 7-7 17% लगाते रहेंगे, लेकिन जो सेल वगैरह की वर्किंग है ना उसमें 7-7 7 वाले में 7-7 17% नहीं लगाना, किस वर्किंग में, सेल वाली वर्किंग में, चाहे वर्किंग टू है चाहे वर्किंग थ्री है, यहां भी सेल नजर आ रही है यहां भी सेल नजर आ रही है, सेल वाली में 7-7 17% लगाना, लेकिन परचेज वाली में 7-7 17% लगाना है जी। मशीन कितने की है भाई 3 लाख की, इस पे 7-7 17% लगा दें, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 17% 81। चलें जाके परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स अमाउंटेड टू 1800, आपको मैंने क्या कहा था, चलें शर्माते हैं आप बहुत, इधर देख लें,
ऐसा ही है, ये नोट करना है तो आपने, ऐसा ही है। अच्छा जी, असल में ना आप परचेज करने जाते हैं किसी बंदे से चीज़ जिसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया होता, तो फिर आप क्या करेंगे, चीज़ें खरीदने जाएंगे क्या करेंगे, उसी चीज़ पर खरीद के आ जाएंगे या उसे 117 रुपये देके आएंगे? आप पागल हैं, 117 रुपये देखे आएंगे, मुफ्त के पैसे आए हैं, अब्बा जी के पैसे हैं, तो आप 117 रुपये नहीं देखे आएंगे, आप उसे कितने पैसे देखे आ जाएंगे? 100 रुपये देखे आ जाएंगे। इसलिए परचेज अनरजिस्टर्ड को हमेशा क्या करेंगे, पेपर में इग्नोर करेंगे। लेकिन सेल, अच्छा सेल में एक और तफसील है, अनरजिस्टर्ड को सेल तो करनी है 117-3 की, लेकिन अगर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, मिसाल के तौर पे सरासिफ को सेल कर रहे हैं होंडा वाले, तो फिर 100 वाली सी चीज 117 की बेचेंगे। ये तो याद है ना आपको, बायर सेलर में तीन बातें चार बातें की थी, बायर सेलर में याद है ना, रजिस्टर्ड को सेल की थी, अनरजिस्टर्ड को की थी, कॉटेज इंडस्ट्री को की थी और एंड कंज्यूमर को की थी, तो वो बात तो याद है। असल में तो डायग्राम वो बनी हुई थी, वो जो बायर सेलर वाले में बनी थी, ये तो वैसे ही उसकी थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपके सामने रखी है। बहरहाल परचेज टू अनरजिस्टर्ड हमेशा क्या करना है, परचेज टू नहीं परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड क्या करना है, इग्नोर। अच्छा जी, ये परचेज किसकी है, मशीन की है, रॉ मटेरियल की है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर इज 1800, इसको इग्नोर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियर? अगली लाइन पढ़ें और उससे अगली। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अमाउंट टू 2600, परचेज इंक्लूड। भाई एक कॉन्सेप्ट है जो क्लास आने का वेट किया जा रहा था, वह मैं आपके सामने रखने लगा हूं। वो कॉन्सेप्ट ये है भाई, अगर आप साथ वाले को प्यार मोहब्बत से पेज 449 पे ले आए, तो वो आपको पेज 448 पे ले जाए। पेज 448 पे आ जाए, पेज 448। पेज 448 पे कॉन्सेप्ट देखिएगा, अ पर्सन हैज नॉट रिकॉर्डेड परचेज इन द मंथ ऑफ मार्च, एक बंदे ने मार्च के महीने में परचेज रिकॉर्ड नहीं की। अ पर्सन हैज नॉट रिकॉर्डेड परचेज इन द मंथ ऑफ मार्च, उसने मार्च के महीने में परचेज रिकॉर्ड नहीं की। वट इज द सोल्यूशन अवेलेबल, बेचारा क्या करे? मिसाल के तौर पे यार शायद उसने मार्च में ना जनरल टायर से टायर खरीदे हो, तो बिल आगे पीछे हो गया हो, समझ रहे हैं बात? जनरल टायर से टायर खरीदे हो, बिल आगे पीछे हो गया हो, तो मार्च की परचेज बेचारे ने मार्च में रिकॉर्ड नहीं की, अब क्या करे? अब लॉ मेकर कहते हैं यार मार्च की परचेज है, आपने कहा हाँ मार के परचेज है, कहते नहीं नहीं मार्च की परचेज है, आपने कहा हाँ मार्च की परचेज है, कहते कोई नहीं यार अप्रैल में तुम्हें बिल मिले अप्रैल में रिकॉर्ड कर लो, मई में मिले मई में कर लो, जून में मिले जून में कर लो, ये कहां से आ गया इसके बीच में, मई में मिले मई में कर लो रिकॉर्ड, जून में मिले जून में, जुलाई में मिले अगस्त में मिले अगस्त में कर लो, सितंबर में मिले सितंबर में कर लो, कोई मसला नहीं। उसने कहा ना बस बस बहुत होगी, अगले 6 महीने में कभी भी अगर आपको इस महीने की परचेज रिकॉर्ड करने का मन में आवे तो कर लो रिकॉर्ड, इसमें नहीं कि इसमें कर लो, 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 इसमें नहीं इसमें, आगे नहीं जाना। तो मोहतरम भूली भी किए हुए गुनाह से कब तोबा कर सकते हैं? कहते हैं मरते दम तक कर लो, जब भी, अच्छा सॉरी, कहते हैं कि 6 महीने तक कर लो, 6 महीने तक कर लो तो ठीक है, वरना जो है वो इसके बाद आप परचेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, भूली हुई परचेज, फिर आगे मैं बोलता हूँ, बोलें उसको देख के, भूली हुई परचेज, बोले बोले भूली को, भूली को, भूली हुई परचेज, भूली हुई परचेज, बोले बार बार भूली हुई परचेज, अगले 6 महीने रिकॉर्ड कर लो। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, जो बंदे ये कॉन्सेप्ट लेते हैं वो न्यूमेरिकल में हमेशा जो है वो तय हो जाते हैं। भूली हुई परचेज 6 महीने रिकॉर्ड कर लो, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। परचेज भूल गई है, जैसे टीचर कहे टेस्ट आपने नहीं दिया, चलो कल दे दो, परसों दे दो, तरसों दे दो, लेकिन इससे आगे नहीं करना। आप समझ आ गई बात? इसका मतलब ये नहीं कि आपने तीसरे दिन ही देने, कल दे दो, परसों दे दो, तरसों दे दो, लेकिन इसके बाद नहीं देना।
तो भूली भी परचेस अगले महीने रिकॉर्ड कर लो, उससे अगले कर लो, उससे अगले कर लो, उससे अगले, उससे अगले, उससे अगले नहीं, मैक्सिमम अगले कितने महीने में रिकॉर्ड की जाती है? अच्छा इसमें ना कोई डेट नहीं है, महीने है, यानी परचेस किस महीने की है? ये अप्रैल में कर लो, या मई में, या जून में, या जुलाई में, या अगस्त में, या लास्ट मंथ बाय विच ही कैन रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मार्च। यार वजह क्या बन सकती है बेचारा परचेज रिकॉर्ड करना भूल गया, भूल गया, भूल गया, भूल गया, एक वजह ये बन गई, भूल गया मार्च की परचेज, मार्च में रिकॉर्ड करना भूल गया, बिल ही नहीं आया था, बिल ही नहीं आया था, टायर आ गए, टायरों के अंदर बिल नीचे आ गया, बिल ही नहीं आया, बिल आया तो था बट मिस ने प्लेस कर दिया, सॉरी मिस प्लेस हो गया, गुम गया, कारपेट के नीचे गुम गया, कुछ और हो गया, बच्चों ने जो है डस्टबिन में फेंक दिया। वेयर अ बंदा डिड नॉट डिडक्ट इनपुट इन द रेलेवेंट मंथ, बंदे का लेवल चेक करें, ये बंदा है। वेयर अ बंदा डिड नॉट डिडक्ट इनपुट विद इन द रेलेवेंट मंथ, कौन सा है इसके लिए? मार्च। हम कर लो यार, कोई मसला नहीं बेटा, कल टेस्ट दे देना, परसों टेस्ट दे देना, तुम्हें क्या फिक्र है? अच्छा ही में रिकॉर्ड सच इनपुट या सच परचेज, इनपुट कभी भी मुश्किल लगे ना तो केले में साइड पे होके ना परचेज बोल लिया करें, ही मे रिकॉर्ड सच परचेज इन एनी ऑफ, किसी में भी कर लो, इन एनी ऑफ द सिक्स सक्सीडिंग टैक्स मंथ्स, समझ आ गई? तो भूली हुई परचेज कब रिकॉर्ड की जा सकती है? इन एनी ऑफ द सिक्स अगले टैक्स मंथ्स, इन एनी ऑफ द सिक्स अगले टैक्स मंथ, कैमरे में घुसने लगाऊ, इन एनी ऑफ द सिक्स अगले टैक्स मंथ्स, क्लियर? अच्छा वो अब एडजस्टमेंट पढ़े सवाल वाली, यार स्पीकर को याद करें, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट डिडक्ट इनपुट इन द रेलेवेंट मंथ, ही में क्लेम सच टैक्स इन एनी ऑफ द, कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी छह महीने में आ जाओ, इन एनी ऑफ द सिक्स अगले टैक्स मंथ, सिक्स अगले टैक्स मंथ, इसी चैप्टर में है हम, अगले चैप्टर में है सवाल, चले छोड़ें यार, अगले में है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अमाउंट टू 2600, भाईजान परचेज रजिस्टर्ड से है, भाईजान पानदान परचेज रजिस्टर्ड से है, तो 17% लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, अनरजिस्टर्ड से नहीं लगाएंगे, रजिस्टर्ड से तो लगाएंगे, परचेज रजिस्टर्ड पर्सन से है, और आगे सवाल में लिखा है परचेज में तीन बिल पड़े हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये जो तीन फिगर्स हैं ये इससे मैच नहीं कर रही, क्योंकि परचेज में तीन बिल तो नहीं, परचेज में तो 50-60 बिल पड़े होते होंगे बिजनेसमैन के, 100-200 बिल पड़े होते होंगे, तो परचेज में सिर्फ तीन बिलों में शायद कोई मसला है, शायद मसला नहीं है। लेकिन एक बार याद रखिएगा यार, जब हम बिजनेस के न्यूमेरिकल्स भी कर रहे होते थे तो कभी लिखा होता था कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड, एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड, तो हम अन्य बात सबको ही नहीं डील कर लेते थे, हम जरा सोचते थे हो सकता है कोई चीज पड़ी हो सही। अब मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है जो सीए कर रहा है, मैं कहता हूं उसका बैग इंक्लूड, उसका बैग इंक्लूड कैलकुलेटर सेब और कॉलेज का मार्कर, कैलकुलेटर सेब और कॉलेज का मार्कर। अब इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा अच्छा सर इंक्लूड कलर्स लिखा हुआ है पेपर में, सर सबको माइनस कर दे सर, बस ठीक दिखी जाएगी सर, इंक्लूड कलर्स ने लिख दिया ना पड़ी हुई है तो बस सबको माइनस कर, भाई हाथ धोगी उसका कैलकुलेटर क्यों निकालने, उसका सेब क्यों निकालने, कॉलेज का मार्कर निकालने, कॉलेज का मार्कर निकालने। तो जब कोई चीज किसी में पड़ी हो तो जरूरी नहीं कि गलत पड़ी हो, अगर आप अपने कमरे में सोए पड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ही निकाल दें, तो कोई चीज अगर किसी में इंक्लूड है तो उसको निकाल देना होता है, या हो सकता है पड़े रहना दिया जाए। तो ट्राई करें कौन कौन सी चीजों को पड़े रहने दें, कौन सी चीजों को निकाल दें। अच्छा जी पहले तो मैं तीसरे से शुरू करता हूं ना जो आसान है, 26 लाख की चीजें खरीदी हैं, उस 26 लाख की चीजों में एक दो नंबर बिल है, फेक बिल क्या होता है? दो नंबर बिल, बचपन में आप दो नंबर समझते थे 2 को, लेकिन अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो 26 लाख में कौन सा बिल पड़ा हुआ है? दो नंबर पता है ना क्या होता है, ठीक है, गलत बिल पड़ा हुआ है, दो नंबर बिल, जाली बिल पड़ा हुआ है।
2600 में, 2600 कर लेते हैं ना, रुपीज इन थाउजेंड में हम करें, 2600 में तीन वाला जाली बिल पड़ा हुआ है। मुझे बताएं अगर कोई जाली बिल बिलों में पड़ा हुआ है तो उस परचेज पे भी 17 लगा दें, या जाली बिल डाल के हमने ये सोचा था कि परचेजेस बढ़ा देंगे, सोचा ये था कि परचेजेस बढ़ा देंगे लेकिन पकड़े गए, हमारा जाली बिल पकड़ा गया। तो बता दें परचेजेस मैं रिकॉर्ड करने लगा हूं और परचेजेस में मैंने 17% लगाना है, और मैंने आपको कहा था साथ साथ 17% लगाना है, लेकिन सवाल की परचेजेस में मसला है। ये तो थी अनरजिस्टर्ड से, इसलिए इसको हमने इग्नोर कर दिया था। अब हम किससे लेने लगे हैं, बोले रजिस्टर्ड से। कितने की परचेज, 2600 की, लेकिन इस 2600 में शायद कोई मसले हैं जिनको शायद हमें निकालना पड़े। 2600 में से तीन क्यों निकाल दें, क्योंकि ये फेक है और इंक्लूड है। क्या फेक परचेज परचेज में पड़ी होनी चाहिए, पड़ी है, हाँ इस तरह सोचा करें, क्या फेक परचेज परचेज में पड़ी होनी चाहिए, पड़ी है, क्या करें, निकाल दें, कटें जरा, माइनस थ्री। क्या जनवरी के महीने की परचेज में मार्च का भूला हुआ बिल पड़ा है, पड़ा पड़ा रहे, पड़ा रहने, क्यों क्यों ना पड़ा रहने दे, मार्च का भूला हुआ बिल, एक बिल मार्च का है, अब उसने वजह नहीं बताई कि मार्च का बिल इधर क्यों डाल रहा है। बहरहाल वो जनवरी 11 की परचेज में पिछला 8-9 महीने पुराना बिल डाल चुका है। क्लियर, तो बता दें, उधर ना देखो, व्हाइट बोर्ड की तरफ ना देखो, अभी इधर देखो। तो बोलो जनवरी की परचेज में बहुत पुराना बिल पड़ा है। ये मार्च वाला जो बिल था ना, अगर आपको भूला था तो अप्रैल 2010, मई 2010, जून 2010, जुलाई 2010, अगस्त 2010, सितंबर 2010, रनिंग आने में टाइम लगता है रनिंग होने, तो सितंबर 2010, तो सितंबर 10 तक ये परचेज रिकॉर्ड हो सकती थी। अब तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में खड़े हैं हम, इतनी देर से परचेज रिकॉर्ड नहीं हो पक्का। किधर चलो, बार बहुत देर कर दी आपने आते आते मोहतरम। तो 12,000 को स्टार डाल के लिखें, ये तो इसी तरह लिखिएगा, ये तो सफिकेंट पे नहीं जगह, ये तो सितंबर 2010 तक की परचेज में रिकॉर्ड हो सकता था, ये तो सितंबर 2010 तक की परचेज में रिकॉर्ड हो सकता था। अच्छा वैसे हमने किस परचेज में रिकॉर्ड कर लिया है यार, ये इंक्लूड देख लें, हमने जनवरी की परचेज में रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या कर दिया इसको, फील करें इस 2600 में फेक इनवॉइस पड़ी है, अंदर गहराई से देखें ना, दिल की आंख से, इस 2600 में फेक इनवॉइस पड़ी है, फील करें फील करें फील करें, इसके अंदर पिछले साल मार्च 2010 का बिल पड़ा है, पड़ा है, निकालें, हिम्मत करें, दो तीन लोग आए, 12, कई दफा को बिल्ली शिल्ली आके बैठ जाती है, आप भी उसे निकालते नहीं, बाहर बारिश हो रही है, ऐसा ही है ना, जरा चेक करें 14 को, 2600 जनवरी की परचेज है, जनवरी 2000 और पाई जानी थे, पाई थे, बाद में बातें कर लेगा, जनवरी 2011 की परचेज कितनी है, 2600, इस जनवरी 2011 की परचेज में ये जो अभी अभी सितंबर गुजरे इसकी परचेज भी एक पड़ी है, सितंबर की भूली हुई परचेज, या सितंबर में आई कैप ने कहा बेटा सितंबर में भूले हुए पेपर या अक्टूबर में दे देना, पता नहीं क्या बात कर रहा हूं मैं, ऐसी होती तो नहीं, लेकिन बेटा अक्टूबर में दे देना, नवंबर में दे देना, नहीं दिल चाहे दिसंबर में, जिगर अपने नहीं, जनवरी में दे देना, आप जनवरी में देने, तो बोले 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 सितंबर की भूली हुई परचेज अक्टूबर में दे देना, नवंबर में दे देना, दिसंबर आई क्यों नहीं, अच्छा सितंबर में दे देना, तो सितंबर की भूली हुई परचेज कब तक रिकॉर्ड हो सकती है, या अक्टूबर में या नवंबर में या दिसंबर में या जनवरी में या फरवरी में या मार्च में, तो लिखें ये परचेज मार्च 2011 तक रिकॉर्ड हो सकती थी, मार्च 2011 में नहीं, मार्च 2011 तक, ये परचेज मार्च 2011 तक रिकॉर्ड हो सकती थी। मेरे से क्यों पूछ रहे हो यार, खुद अभी सारा समझा, सितंबर 2010 के बाद अगले 5-6 महीने गिने ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, घर में कुछ कोई हो बच्चा, कोई पांचवी छठी वाला साथ ले आया करें, इस तरह की चीजें तो वो भी कर देता है, तो सितंबर की भूली हुई परचेज बोले कब तक रिकॉर्ड हो सकती है, बच्चे बताए होंगे
माँ तो है ना छोटे भाई माशाल्लाह सबके। ओके तो बोले जी अब क्या करना है, पड़ी रहने दें, बंद कर दें इसे, बंद कर दें, लगा दें 17, चला दें छुरी, चला दें छुरी, छुरी चलाएंगे छुरा, छुरी 17% की 439.45 पॉइंट्स वाले जाएं, बाकी लोग इधर बैठे रहें, वो जा रहे हैं। अब ऑनलाइन वाले जवाब दे दें इधर से, कि व्हाट्सएप ग्रुप में कोई सवाल तो नहीं पूछेंगे इस पे, मैंने नहीं लेना आपके सवाल इस पे, बात बहुत होगी है। आगे चलें, डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। सर डेबिट क्रेडिट नोट तो भूल गए हुए, हमने तो इंट्रो भी नहीं पढ़ी हुई, तो हमारा क्या कसूर है, डेबिट क्रेडिट नोट क्या होते हैं? कोई मसला नहीं भाई, डेबिट क्रेडिट नोट के ऊपर क्लास होगी और क्लास अच्छी खासी होगी। मुझे ये बताएं इन दोनों में से पढ़ के कौन सी सेल रिटर्न है, कौन सी परचेज रिटर्न है। तो डेबिट क्रेडिट नोट पर छोड़ें, नहीं डेबिट क्रेडिट नोट सेल रिटर्न परचेज रिटर्न नहीं होती, डेबिट क्रेडिट नोट की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं मुझे चाहिए। डेबिट क्रेडिट नोट ना मैंने पढ़ाए हैं, ना मुझे ये अभी आपसे सुनना है कि डेबिट क्रेडिट नोट क्या है। मैं कह रहा हूँ डेबिट क्रेडिट नोट का लफ्ज यूज ही ना करें, मुझे बता दें कौन सी सेल रिटर्न है, कौन सी परचेज रिटर्न है। सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड क्या होती है, नहीं नहीं घटिया नहीं होती, वैसे वही है। सब स्टैंडर्ड सप्लाईज, सब स्टैंडर्ड सप्लाईज वर रिटर्न टू, वर रिटर्न टू वेंडर्स, साया देखा करें, वर रिटर्न टू वेंडर्स, वेंडर्स को वापस कर दी। और नीचे पढ़े गुड्स वर रिटर्न बाय कस्टमर्स, बाय कस्टमर्स, सब स्टैंडर्ड सप्लाईज वर रिटर्न टू वेंडर्स बाय अजहर, अजहर ने अपने वेंडर्स को, यार वेंडर्स होते हैं सप्लायर्स, सर सप्लायर क्या होते हैं, सप्लायर होते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हम चीजें खरीदते हैं। और यार जनरल टायर कर लो शक, होंडा के लिए मिसाल के तौर पर, सब स्टैंडर्ड टायर्स वर रिटर्न टू जनरल टायर। तो बता दें ये परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, वर सब स्टैंडर्ड सप्लाईज वर रिटर्न टू, रिटर्न टू इसका मतलब है हम वापस कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, परचेज रिटर्न। गुड्स वर रिटर्न बाय कस्टमर, यार कस्टमर तो वैसी चीज दुकान पे आ जाओ वापस करके जाते, तो उसे सेल रिटर्न ही कहते हैं आप, ये तो कस्टमर तो आसान लगता, वेंडर तो चलो मुश्किल लगता, दुकानदार है अजर, अजर दुकानदार है, अजर दुकानदार है। तो अजर को कस्टमर चीजें वापस कर गए, डिफरेंट कस्टमर्स, ये कौन सी रिटर्न होगी, सेल रिटर्न। तो ये परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न को वहां डाल दें जहां परचेजेस पड़ी हैं, और सेल रिटर्न को वहां डाल दें जहां, अब सेल को किसमें डालूं, जीरो रेट में डालूं, एग्जेम्प्ट में डालूं, या टैक्सेबल, टैक्सेबल में डाल दें, बस नॉर्मल टैक्सेबल होंगे। अच्छा जी आप बोलें जी किसको डालें पहले, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितनी है जी, परचेज रिटर्न को परचेजेस वाली जगह पे माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, मेहरबानी मेहरबानी, परचेज रिटर्न बोले तो 140 इंटू 7717, साथ वाले का हाथ पकड़ के कहें 7717, पॉइंट्स वाले जाएं बाकी लोग बताएं 24। भाई जान सर्दियां हैं, हाथ धो भी आ रहा। अच्छा जी क्लियर, आगे चलें, गुड्स वर रिटर्न बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स ने चीजें वापस कर दी, ये कौन से रिटर्न है, मजा आ रहा है आज इस सवाल का, सेल रिटर्न, बस ये 17% वाली में डाल दें सवाल में, 7717 यहां नहीं बोलना, गलत जगह पे 7717 बोलोगे तो मसला हो जाएगा। चलें जी आ जाएं इधर, जो बच्चा सीए करा होते ना करड़े से कहते हैं बेटा तुम घर में रुको हम आ रहे हैं, तो ये 7 लाख को छोड़ दें, ये भी इसको इधर ही छोड़ें, हम आ रहे हैं जरा इसके पास बाद में आ जाएंगे। तो सवाल खत्म हो गया, ठीक है जी, तो इसको छोड़ दें अभी, निगलेक्टेड चाइल्ड करें से। सेल्स टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ, ओ यार जबरदस्त, मैंने आपको कहा था पेपर में रेट दिया होगा, याद नहीं करना, बच्चे याद कर रहे थे, केले खड़े होकर जेंडर का याद कर रहे होते हैं, 17% रेट पेपर में रेट दिया होगा, परेशान ना आज रिलैक्स हो जाए, कुछ फील करें रिलैक्सेशन। ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, सारी फिगर्स 30 लाख पे पड़ी है, 35 लाख 10 हजार पे नहीं पड़ी हुई, सारी फिगर्स 30 लाख पे पड़ी हुई है, ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, सारी फिगर्स 200 पे पड़ी है, 234 पे नहीं पड़ी, यानी सारी फिगर्स में कोई ऐसी फिगर नहीं है पूरे सवाल में जिसमें सेल्स टैक्स डाल के कहते हैं मैंने शो की हो, सेल्स टैक्स डाले बिना सारी फिगर्स मैंने शो की हुई है। चले रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट छोड़े, ओके अब जी मोहतरम बताएं आप के टोटल्स करने वाले हमारे रह गए हैं, टोटल्स कर लेते हैं, कैलकुलेटर पकड़ लें, इसका ना ग्रैंड टोटल ही मार दिया करें, फोर डबल टू जीरो
अच्छा जी आगे चलें। देखिए सांस लेने का सर्दी से क्या हाल हो गया 2 दिन से। अच्छा टोटल कर दें भाई, मुझे 99% यकीन है कि आज का लेक्चर हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता कर भी दिया तो आइंदा के बाद, आज के बाद कभी नहीं होगा, आज वाला भी नहीं होगा वैसे जी। 415, चाहे बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, चाहे सैटरडे हो, मंडे हो। ओके क्लियर जी, ये ऑनलाइन वालों से बातें नहीं हो रही। ओके अब मोहतरम बताएं, हमने अगर होंडा कार्स की बात करूं, अजहर को छोड़ें, फर्ज करें होंडा कार्स है, तो होंडा कार ने टायर वगैरह लोहा वगैरह खरीदने के ऊपर परचेज पे ये 17% पे किया हुकूमत को। अब इनका कोशिश होगी परचेज का 17 का बर्डन किसी पे डालें सेल करके, और ये भी परचेज पे 17 पे किया, लेकिन ये किसके लिए है? मशीन के लिए। तो वैसे आप अकाउंटिंग के क्लास में भी स्टॉक और मशीनों को आप मुझे ज्यादा अलग अलग रखते थे, मशीन का रिकॉर्ड आप अलग रखते थे, मशीन को पीपी में डालते थे कहीं, और स्टॉक को आप करंट एसेट में शो करते, लेकिन उस तरह ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो वैसे इधर भी मशीन को अलग रख लिया करेंगे हम, और बाकी परचेजेस को, बाकी सारी परचेजेस को अलग रख लिया करेंगे। इनपुट अदर, बाकी परचेजेस, कौन सी परचेज? मशीन की, बाकी मशीन की, बाकी परचेस। तो भाई परचेज कितने किस्म की होगी? 2 किस्म की। गाय परचेज कितने किस्म की होगी? 2 किस्म की होगी। मशीन की परचेज, बाकी परचेस, और सेल कितने किस्म की हो गई? 3 किस्म की। टैक्सेबल, 0, एग्जेम्प्ट, और टैक्सेबल में 2 किस्म की, आचे बुरे, आचे बुरे, आचे बुरे, आचे बुरे। ये कौन सी हो गई? टैक्सेबल की सेल। बोला करना यार तू भी, मजा ट्राई कर रहा, ऊंची बोल, आचे बुरे, जबरदस्त। अच्छा जी अभी अभी ऐसा करो, मुझे आचे बुरे का ग्रैंड टोटल बता दो। आचे बुरे का 4220। अब ये इधर ले आए ग्रैंड टोटल, अब ये क्या होगा फिर? ग्रैंड, ग्रैंड टोटल, सुप्रीम ग्रैंड टोटल, 10220। अच्छा जी एक फिक्रा बोले, काले नीले दोनों को बुलाओ, बोले जरा ऊंची, काले काले चलिए, नीले ने कहा मीनू भी ले जाओ। अभी इस तरह जाएंगे दोनों, और इधर जाके ऐसे लेट जाएंगे, ये रिलैक्स हो गए, सो जाएंगे, ये काले चलिए, नीला मीनू मीनू चल यार तू भी आ जा, कितने जा रहे यार? थल्ले जा रहे हैं, मैं भी जाने, मैं भी मरना है, आ जा फिर, ये याद रहेगा, 2-3 दफा थोड़ा ट्राई कर लो, ट्राई करो जरा जल्दी करना यार, काले नीले। और कुछ नहीं होता, तू टीचर है जो तैयार होने टाइम। अच्छा और भाई जान, ये शुरू वाले टीचर इस तरह करते हैं, जब टीचर शुरू में होते हैं ना इस तरह लिख रहे होते हैं, बच्चे ढूंढ रहे होते हैं कहाँ लिख रहे हैं। चलो आज चलो भाई को तो याद रहेगा, काले नीले। भाई आप छुरियां चला दें बस, अब इनको तकसीम करें, पहले किसको पकड़ें? 415 को, और इसे तकसीम करें 10 220 पे, और मल्टीप्लाई करें 4220 पे। यार आप एग्री कर रहे हैं, इधर देखें, आप एग्री कर रहे हैं कि ये रॉ मटेरियल गाड़ियों में इस्तेमाल हुआ होगा डिफरेंट किस्म की? याद आ रही है जो बातें थोड़ी थोड़ी? ठीक है भाई भी फ्री हो गया अब तो। ये जो 415 है, याद आ रहे हैं, ये टैक्सेबल वाली गाड़ियों में भी यूज होगा, मुरली शुरली वाली गाड़ियों में भी यूज हुआ होगा, एग्जेम्प्ट सेल में भी यूज हुआ होगा कोई ना कोई। तो ये इनपुट, अच्छा मशीन जो है, मशीन, मशीन से भी 3 किस्म की गाड़ियां बनी होंगी, जारी बात है, मशीन भी 3 चीजों में यूज होती है। डन गाय। अच्छा 415 डिवाइड बाय 10220 मल्टीप्लाइड बाय 4220, 171। 415 डिवाइड बाय 10220 मल्टीप्लाइड बाय 2000, 415 डिवाइड बाय 10220 मल्टीप्लाइड बाय 4000, 160। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, चलें बहरहाल निकाल लें। एग्जाम सेल का इनपुट किसी को याद है? डेड होता है। ओके पकड़ेंगे 51 को, 51 के आप टुकड़े टुकड़े कर दें, टुकड़े टुकड़े तोड़ तोड़ के इसकी 21। ये किसका इनपुट है? ये मशीन बाजी का इनपुट है, इनपुट मशीन। और ये काला किसका इनपुट है? और नीला मशीन। ठीक है जी, कोई ये ना पूछे इनको अलग अलग क्यों तोड़ रहे हैं, थोड़ी देर में डिस्कस हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बोले, 10 आ गया, और आगे 20। भाई वैसे सांस चढ़ो, सुबह के पढ़ा रहे हैं, 5वीं क्लास एंड होने वाली है इनकी, बैठे बैठे सांस करो। अच्छा जी डन, अब न्यूमेरिकल के फेस पे आ जाएं। वो न्यूमेरिकल ही क्या जिसका
मिस्टर सेल्स टैक्स लाया, सेल्स टैक्स लाया बिली टी फॉर द मंथ, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2011। ओके अच्छा भाई, एग्जाम सेल के ऊपर मैंने आपको बताया था इनपुट जो है एग्जाम सेल का वो डेड हो जाता है। अबूबकर यहां तक है, एग्जाम सेल का इनपुट क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। और जीरो रेट सेल का इनपुट हुकूमत क्या कर देती है? बिल्कुल गलत, रिफंड कर देती है। जीरो रेट सेल का इनपुट हुकूमत रिफंड कर देती है। अच्छा अब जो है ना, जब आपने ये तकसीम कर लिया करनी है तो जरा फिगर्स देखें कौन कौन सी कहां गई थी। वर्किंग वन की जो फिगर थी ना भाई, काली नीली, ये बॉटम पे चली गई थी। और वर्किंग थ्री की जो फिगर थी वो टैक्सेबल सेल में आ गई थी, फिर जीरो और एग्जेम्प्ट भी आ गई थी, टोटल सेल आ गई। अब आपने किया ये करना है कि जैसे ये सवाल का आपने फेस बनाना शुरू कर लेना तो एक आवाज आया करेगी, इसको आपने डेड कर देना है। इसको क्या कर देना है? मारो मारो, इसको आपने डेड कर देना है। एग्जाम सेल का इनपुट क्या हो गया? डेड। तो एग्जाम सेल भी कहीं नहीं जानी, बस एग्जाम सेल भी कहीं जानी, इसका इनपुट भी क्या हो गया? डेड हो गया। क्लियर, आगे चले। इसको आपने पकड़ना है और पकड़ के न्यूमेरिकल के एंड पे फेंक देना है, न्यूमेरिकल के एंड पे फेंक देना है। रिफंडेबल किस सेल का? जीरो रेट सेल का। कोई नहीं, अल्लाह सबको दे। अच्छा रिफंडेबल किस सेल का? बोले बोले रिफंडेबल किस सेल का? आप भी तो देना कभी। रिफंडेबल किस सेल का? और बोले जीरो रेट सेल का। 81 प्लस 10, मुंह कुर करने लग गया। अच्छा 81 प्लस 10 बोले 91। इसका ना आपने न्यूमेरिकल के एग्जैक्ट यहाँ चिन्ह पे फेंका करना है। रखो हाथ याद रहे, जीरो रेट सेल, जीरो रेट सेल का रिफंड बोलते रहो, जीरो रेट सेल का रिफंड, बिल्कुल एंड पे आपने फेंका करना है, जीरो रेट सेल का रिफंड। ओके डन। यार अब सवाल में जो आपकी आंखें होंगी वो सिर्फ यहां होंगी, बस ये 4220 171 और 21। और आप इधर से देखें अपने रजिस्टर को, जरा अपने सामने रखें और ऐसे जरा देखें, रजिस्टर को सामने रखें ना, ऐसे ऊपर ऐसे पकड़े रजिस्टर, ऐसे जरा देखें तीनों को, एक टच सा आएगा 4220 171 और 21। डन। तो अब इन तीन फिगर्स को न्यूमेरिकल के मुंह पे लाना है, इन तीन फिगर्स को न्यूमेरिकल के मुंह पे लाना है। अच्छा जी, क्या सेल पे 7/7/17 लगा था या नहीं लगा था? अब सेल पे 17 लगाने की जरूरत अंदर ही अंदर महसूस हो रही है, फील कर रहे हैं अंदर से जरूरत, तो सेल पे 7/7/17 लगाए 4220 into 17। उसमें तो नहीं लगा, बस 17%, 7/17% लगाए, जीरो तो नहीं मैं बोला, 17। तो सेल पे 7/17% लगाए, कितना आ गया? 717। डन। अच्छा यार एक बार याद रखिएगा, एग्जेम्प्ट सेल तो वैसे ही माफ है, 4000 वाली चीज आपने 4000 में बेची होगी होली कुरान, और 2000 वाली मुरली को गाड़ी 2000 में ही बेची होगी, इन दोनों को कहीं ना लेके जाना। अब मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ ना, अब हमारी निगाहें ही क्या जो इधर से हट जाएं, तो हमारी निगाहें अब इधर रहनी है। क्लियर। तो लाल मार्कर पड़ा हुआ, तो अब हमारी निगाहें किधर हो? सिर्फ इधर हो, सिर्फ इधर हो निगाहें, बस सेल को बढ़ा लिया, कितने परसेंट लगा दिया? 17%। अच्छा आपको पता है इंट्रो की क्लास सेल में से परचेज माइनस किया करते थे, तो सेल माइनस परचेज करते थे, तो अब इसी तरह आउटपुट में से क्या माइनस करना है? इनपुट माइनस करना है, इनपुट। ठीक है जी, इनपुट एक करना है आपने अदर्स, एक करना है अदर्स, अदर्स और एक करना है मैकिन। क्लियर। अच्छा जी इनपुट अदर्स बोले तो, अभी नोट नहीं करना आप थोड़ी देर, अदर्स बोले तो 4, कहां से देखा ये रेड के अंदर किसी तरह आपकी आंखें रह सकती हैं आप लोगों की? बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। अच्छा जी तो बोले इनपुट अदर्स कितना? ये तो हमने देखा ना 415 नहीं बोला था ना, ये तो हमने रिफंड मांग लिया, ये डेड हो जाएगा, तो ये तो हमने बस 171, तो जो सेल होगी उसी का इनपुट माइनस होगा 171, और मशीन का 21। ओके अच्छा भाई अब जो है ना एक मसला था, मैंने कहा था इनपुट माइनस होता है लोअर ऑफ करके, ठीक है, तो ये जो इनपुट है ना 171 वाला, इसको ना आप अंदर बुला लें, इसको अंदर बुला लें, बाहर इसको सर्दी लग रही है, देख लें हाल क्या हुआ है, इसको अंदर बुला लें सिर्फ 171 को। एक्चुअल कितना है?
तो मोहतरम ये इस 171 को हम अंदर करके लिखा करेंगे और ये जो मशीन का इनपुट है ना इसको अंदर करके नहीं लिखा करेंगे क्योंकि मशीन का इनपुट पे 90% की रिस्ट्रिक्शन वाला रूल नहीं है और मशीन के इनपुट में कोई लोअर वाला चक्कर नहीं है बल्कि मशीन का इनपुट लॉ मेकर कहता है अगर तुम मशीनें खरीदते हो तो मैं तुम्हारे से खुश होऊंगा और मशीन खरीदने पे तुम्हें उसका इनपुट माइनस करने की इजाजत दे दूंगा। इसमें 90% वाली कोई कैद नहीं है तो इसलिए मशीन के केस में 90% वाली कैद नहीं है, मशीन को पूरा माइनस किया करेंगे मशीन का इनपुट। पीछे कौन सा इनपुट बच गया? 171 वाला। अच्छा, किसी को ये बात याद हो कि हमने क्लास में बात की थी कि ये वाला इनपुट अगर 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से माइनस ना हो सके तो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं अगले महीने, ये बात याद आ रही है? जिस तरह का यस आया ना उस तरह से मेरा गुजारा नहीं चलेगा कम से कम। भाईजान ये देखो ना पेज 465 पे यस यूज कोई नहीं, आप देखना पड़ेगा पेज 465 पे। आउटपुट था हमारा 289 और इनपुट था 462। आउटपुट था 289, इनपुट था 462। और यार ये तो डेड हो जाता है ना, ये डेड हो जाता है और ये क्या हो जाता है? री फंड हो जाता है। और हमारी आंखें सिर्फ किस पे मजकूर रहती हैं? रेड वाले पे। उनको याद आ रही हैं बातें भी जो की हैं। तो ये 462 ऊपर चला जाता है लेकिन मैं कहता 462 को आपने इनर कॉलम में लिखना है और इसे कंपेयर करना है 90% ऑफ आउटपुट से। क्लियर? तो ये वाला जो एक्सपोर्ट सेल वाला रिफंड है ना 136, ये 136 तो आपने न्यूमेरिकल में लिखना ही है कि ये मुझे रिफंड होने 136। अगला सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि हमारा कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था, आपने कहा था हमारा 462 माइनस करने को दिल चाह रहा। मैंने कहा लॉ मेकर क्या कह रहा, कौन सा माइनस करो? 260। कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? कितना फिर, कितना माइनस करने दिया? कितना फिर कभी माइनस कर लेंगे? ये 202 मैंने कहा था कैरी फॉरवर्ड कर लें अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, और अगले महीने इसको माइनस कर लें। डन, ये कैरी फॉरवर्ड कर लें अगले महीने और अगले महीने इसको माइनस कर लें। अब ये बात कितने लोगों को याद आ रही है? कैरी फॉरवर्ड कर लें इसको अगले महीने और अगले महीने इसको माइनस कर लें। अब इसका तरीका पता क्या है? इसको फिर लाया कहां करना है? अगले महीने। फिलहाल इस महीने तो नहीं माइनस करना ना, अगले महीने ना, अगले महीने इसको यहां पर लाके ना दरमियान में फोल्डिंग में बिठा के यहां फिट कराया करना। एक्चुअल अगले महीने का बढ़ा देना, एक्चुअल अगले महीने का बढ़ा दे रहे हैं। चलें देखते हैं, ऐसे जमाने कलामी बात नहीं समझ आती। सेल्स टैक्स क्रेडिट इनपुट होता है, याद रखिएगा। टैक्स क्रेडिट होता है टैक्स माफ करना और इनपुट आपको पता है इधर माइनस होता है यानी माफ होता है। तो सेल्स टैक्स क्रेडिट कंफ्यूजिंग सा लफ्ज़ है, इसका मतलब लिखें इनपुट। सेल्स टैक्स क्रेडिट इनपुट को कहते हैं, इनपुट टैक्स को। इनपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम पिछला महीना। माय डियर, पिछला महीना कौन सा होगा? हाँ, पिछला महीना होगा दिसंबर 2010। इनपुट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम पिछला महीना अमाउंटेड टू 700। पिछले महीने का इनपुट कितना रहे? 700 है पिछले महीने का इनपुट। डन, डना डन। पिछले महीने का इनपुट कितना रहे? 700 है पिछले महीने का इनपुट। वो माइनस हो चुका था या नहीं हो चुका था तो कैरी फॉरवर्ड किया होगा, पिछले महीने कैरी फॉरवर्ड किया होगा, इस महीने उसका नाम ब्रॉड फॉरवर्ड। तो जो इनपुट पिछले महीने का हो और वो पिछले महीने माइनस ना हो सके तो उसको इस महीने लाके न्यूमेरिकल के मुंह पर आपने इस महीने के एक्चुअल के साथ मर्ज कर देना है। एक्चुअल जमा ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ दिसंबर 2010। ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है दिसंबर 2010 का? 700। अब ना इसका टोटल मारें, इसको माय गाय कंपेयर करें 90% ऑफ आउटपुट से। इसको कंपेयर करें 90% ऑफ आउटपुट से, कितना हो गया? सबर करना यार, पहले दे समय चलो। 645। अब मुझे बताएं कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? लोअर क्या है? कितना माइनस करेंगे? कितना करने को दिल चाह रहा? कितना करेंगे? कितना फिर कभी सही? यार ये जो है ना, ये लाके यहां गर्दन पे आपने पार किया करना है। थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, यहां भी जगह होती है होंठों के नीचे, यहां भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहां लिख दें, यहां लिख दें कैरी फॉरवर्ड इनपुट, ये कैरी फॉरवर्ड होगा और ये ना फिर अगले महीने ब्रॉड फॉरवर्ड फिर यहीं आया होगा, ये अगले महीने का ब्रॉड फॉरवर्ड बनेगा। इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, कैरी फॉरवर्ड इनपुट। ये जीरो रेट नहीं है, ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल है 17। कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? कितना किया? कितना फिर कभी?
डबल टू। अब क्या रह गया, अब सिर्फ टोटल करने वाले रह गए हैं। 717 माइनस 645 70। ये एक सब टोटल किया करना है आपने, सब टोटल छोटा सा। 72 माइनस 21। सवाल खत्म हुआ, एबल टू कमेंट आ गया, क्योंकि चलते चलते ना ये भी बताना पड़ता है, सवाल खत्म हो गया। गाड़ी बंद होती है, ड्राइवर चला जाते हैं, 15 मिनट बाद आपको आके उठा रहे होते हैं, भाईजन लोअर आ गया यार, सोने तो दिया कर। ओह मेरा बैग, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, सवारी की बात चल रही थी। फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स एड 3% ऑफ सेल टू अनरजिस्टर्ड। इसका कोई मसला नहीं है, इसको आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। मुझे जरा किताब में दिखा दो ये 3% में कहां ऐड किया हुआ, सॉल्यूशंस में ऊपर इसके ऐड किया हुआ, नीचे ऐड किया हुआ। फर्दर टैक्स जिस तरह किताब में किया होगा उसी तरह बेहतर है। 3% फर्दर टैक्स ऐड करना है ऑन सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। भाई जन इसका सोल्यूशन नहीं है किताब में, तू ना ढूंढ। किधर है यार फिक्स्ड एसेट के साथ आ ही नहीं रहा। हाँ इसको बाद में ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड। बोले 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 यार जल्दी बोले। इधर देखें 4220 पे 17 लग गया, 4220 पे 17 लग गया। अच्छा इधर देखें यार, ये भाई को इनाम देना, इतने बच्चे नहीं बोले, ये भाई बोले हैं यार। फैसल रफीक फंड में चेक कर, 100 रुपये पड़े, निकाल जरा उसको दे इनाम। तो 4220 में से किसके ऊपर 3% फर्दर लगना है, 200 के ऊपर। साथ ले यार कभी तू भी ऐसी बात कर दिया कर यार, हाँ दो शर्मिंदा ही करता है हमेशा तू भी, मैं नहीं तेरे साथ आइंदा बैठना वैसे मैं फिर। अच्छा जी 3% फर्दर टैक्स ऑन 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 ऑन। तो ऐसे भाई एने भाई आपने ऐसे पकड़ाया 100 रुपये जैसे 100 रुपये पे कोरोना लगा है, आराम से पकड़े। 3% फर्दर टैक्स ऑन 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 206। जवाब 57 पेबल टू गवर्नमेंट। तो सर में जो बुरे बच्चे को हमने चीज बेची होगी वो 100 की बेची होगी या 100 जमा 120 की बेची होगी, तो उसका 17 तो ऊपर लगा दिया था, सिर्फ 3 लगाने और। नहीं 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 वो अलग चीज है, ये भाई आपका पेबल टू गवर्नमेंट है। अच्छा मोहतरम अब 2-3 मिनट जाया कर देते हैं अपनी जिंदगी के। सबसे पहले आपने इसको फिगर को फारिग कर दिया करना है, ये दोनों भी कहीं नहीं जाने ना, ये तो एग्जाम सेल है तो 4000 वैसे कहीं नहीं जानी, ये कुरान की सेल है और ये समझ लें आप जो है वो सेल है मुरली वाली गाड़ी की, तो ये दोनों तो कहीं नहीं जानी, ठीक है। अब इसको काट दिया, इसको कहाँ लेके न्यूमेरिकल के एंड पे, क्या नाम लिखा लिखा इसका, रिफंडेबल ऑन 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 08 सेल। बोले 91 हाउ 81 प्लस 10। ये इसका न्यूमेरिकल करने में आपको कितना टाइम लगेगा घर में, 15 मिनट। इससे इससे छोटे आपको 2 न्यूमेरिकल दूंगा आज होमवर्क में, इससे छोटे, ताकि 10-10 मिनट लगे आपके, क्योंकि आपने थ्योरी भी याद करनी है। मैंने सुना कि इस दफा आपने सोचा कि ये जो अभी संडे आ रहे हैं ना तो थ्योरी आपने याद करनी है, खीर है यार अगर सेल्स टैक्स की थ्योरी आपने याद करने के लिए दिन रखा है तो आई तो रियली अप्रिशिएट है। बस 4220 यार अब हमारी नजरें सिर्फ किस पे हों, मरने के बाद की जिंदगी रेड पे हों हमारी नजरें सिर्फ। 4220 × 17% 717 में से क्या माइनस करना है, 171 और 21 लेस इनपुट अदर देन मशीन और इनपुट मशीन 21 को तो ऐसे ही माइनस करनी है, ब्लैक मार्क पकड़ा, ये सीट पे झूले बोल नहीं रहे यार, बस कर दे यार। एक्चुअल कितना 171। अब आपने सवाल पे जाने और पिछले महीने का कोई इनपुट अगर माइनस नहीं हो सका उसको गले लगाने और गले लगा के ऐसे जप्पी डाल के उठा के ले आने यार आगे छोड़ने, एकदम छोड़ने उसको, प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड 700 871। अच्छा जी 871 आ गया एक्चुअल, इसमें इस महीने का एक्चुअल भी शामिल है और पिछले महीने का गाय वो एक्चुअल भी शामिल है, गाय जो पिछले महीने माइनस नहीं हो सका, या 90% ऑफ आउटपुट 645 लोअर 645। नहीं नहीं यार सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम साथ ही करके जाएं इससे पहले के आगे जाएं, कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था, कितना माइनस करने दिया तो ना फिर कभी इसको अगले महीने कैरी फॉरवर्ड करेंगे और जब अगला महीना आएगा तो ये जो फिगर आएगी इसको फिर इस जगह पे ले आएंगे दोबारा, वो तो अगले महीने की बात है, फरवरी कैरी फॉरवर्ड इनपुट कर लें।
मार्कर भी बोर हो गया दोबारा। सवाल 226 कैसे 871 माइनस 645। अच्छा जी क्या जवाब आया 72 51। एड फर्दर टैक्स ऑन 57। भाई आप लोगों ने जो काम करना करें, मैं इनको न्यूमेरिकल्स बता दूं। चैप्टर 19 की तरह का चैप्टर आने लगा है। आय हाय हाय 24 नहीं माय डियर, माय डियर। यार आप लोग क्लेवर हैं या नहीं है, ये क्वेश्चन 10 निकालें मिस्टर क्लेवर वाला। पेज नंबर 517 मल्टीप्रोसेसिंग करें। पेज नंबर 517 निकल आया। ये सवाल कर लेंगे यार, कुछ चीजें वापस हो रही हैं। कोई एक बिल पता नहीं गलत बने, अंकल के नाम का बन गया बिजनेस के नाम की बजाय। टैकल कर लेंगे, अंकल के नाम का बिल बन गया, कोई फेक टाइप को इस तरह का बिल अंकल के नाम का बन गया। न्यू मशीन भी आ रही है एक, और भाई इधर चाइना चाइना के चक्कर में ना पड़िएगा। इनिशियल उसका सेक्शन नहीं चल रहा कि न्यू, बस न्यू मशीन आ रही है तो मशीन का इनपुट अलग रिकॉर्ड रखना है आपने। और कोई पुराने महीने का सेल्स टैक्स क्रेडिट भी आ रही है, हैंडल हो जाएगा। yes, ट्राई कर लेंगे। ये जो 12 नंबर का सवाल है इसका टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट आपका मैच कर जाए। yes, अच्छा ये क्वेश्चन 10 हो गया, इस पर 5-7 मिनट 10 मिनट लगा लीजिएगा ज्यादा। फिर क्वेश्चन 4 में आए कहाँ, थोड़ा सा उससे ऊपर 10-5। अच्छा 10-6 का, अच्छा ये दो कॉलम जरा काट दें, इनका कोई फायदा नहीं है सवाल में। फायदा क्यों नहीं है तैयार हो क्या, मैं आपको बताऊंगा मंडे को फायदा क्यों नहीं है। तो इन दोनों कॉलम को काट दें। असल में ये 100 रुपए हैं, ये 17 है, ये 117 है, ऐसी पागल बनाया हुआ है। 100, 17, 117 हम पहले ही उठे हुए हैं, तो इसलिए यही वाला कॉलम सिर्फ रेलिवेंट होगा। इंशाल्लाह आपका सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा, इसी कॉलम से आपका सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा। सेल कितनी है हमारी 2, टैक्सेबल और जीरो है ही नहीं, मजे करो। चलो परचेज कितने किस्म की है, रॉ मटेरियल और कौन सा ट्राई करेंगे, पहले 4 ट्राई करेंगे 10 ट्राई करेंगे, 4 ट्राई करेंगे, 4 जमा 10 14 ना करिएगा ट्राई। चलो यार बंद करो, जाने तो इनको घरों में।